हाय गाइस, रुचिर बोल रहा हूँ, रुचिर गुप्ता डॉट को डॉट इन से। और ये वीडियो जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ ये है कॉपर की साइकिल पर। वैसे तो ये पोजिशनल कॉपर साइकिल है, आप बाय कर सकते हो। इसको आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा क्योंकि मुझे उम्मीद है फिर ये भाग जाएगी। वैसे मैंने फिफ्थ रखी है, हो सकता है 7, 8, 9 तक भी आप साइकिल ले पाओ, मगर सीधी सी बात है उसके बाद मैं प्राइस कम कर दूंगा। मतलब कुछ टाइम बाद जब साइकिल ये बीत जाएगी तो इसका प्राइस सीधी सी बात है कम हो जाएगा। उसके पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, साइकिल जो बाय करेगा उसे ही वो चीज़ पता चलेगी। अब ये कॉपर का फ्यूचर है, ठीक है, MCX कॉपर का, और ये डेली चार्ट पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि एक डेट मैंने वहाँ पे बता दी जिसके पहले पहले साइकिल बाय करनी है, ठीक है, या मतलब वैसे तो डेट तो आ चुकी है, मैं सच बताऊँ तो मतलब आजकल में ही है वो डेट, बट आप बाय कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन तीन दिन में इतना ज़्यादा भागेगा नहीं कॉपर, ठीक है, और बुलिश साइकिल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप अगर वो स्टिकर देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 6.7% का पहला टारगेट है, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। तो आप अब इसको देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब कॉपर गिर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये ट्रेंड लाइन है जो नीचे से एक सपोर्ट दे रही है, ठीक है। अब मैं एंट्री जो करूँगा, ठीक है, एंट्री जो करूँगा ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कॉपर की साइकिल लेंगे या जिनके पास पहुँचेगी ये साइकिल, ठीक है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एंट्री जैसे करता हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि जनरली मैं पिछले दिन का जो हाई होता है उसके ब्रेक करने पर एंट्री लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आवरली पे अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, आवरली चार्ट पे अगर आ जाऊँ और मैं एक यहाँ से इस लाइन से सॉरी इस टॉप से ये जो रीसेंट का बॉटम बना है एक ये मैं बना सकता हूँ कि भाई बॉटम भी यहाँ पे आ ही रहा है जहाँ पे दिख रहा है हमको, मतलब यहाँ पे प्राइस आ सकता है, मगर अगर इसको पहले ब्रेक कर दिया उसने तो फिर यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मेरी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं अभी बहुत सारे तरीके बताऊँगा इसमें। ये अगर आपने निफ्टी की साइकिल ली है, क्रूड की साइकिल ली है, कोई भी साइकिल ली है तो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाऊंगा। है ये कॉपर का वीडियो नो डाउट, मगर एक टेक्निक अगर एंट्री की आप देखो तो वो मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, एक चैनल भी है, इसको अगर मैंने बनाया इस चैनल को और मैंने इसके ऊपर से प्रोजेक्ट वही लाइन है, लगभग थोड़ा सा इधर का उधर है। अब ये चैनल की लाइन प्राइस जब ब्रेक करेगा, ठीक है, और मेरी डेट ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, तो मेरी एंट्री यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, ये पहली चीज़, ठीक है। अब उसके बाद एंट्री हो गई, ठीक है, मैंने बताया हुआ है साइकिल है बड़े आराम से। अच्छा, दूसरी चीज़ यार, सीधी सी बात है यार, आप साइकिल ले रहे हो और इतनी सारी चीज़ें मैं ऐसे ही यहाँ पे ही बताए दे रहा हूँ तो आप साइकिल लोगे क्यों, ठीक है। तो साइकिल आप इसलिए लोगे क्योंकि वहाँ पे पहली चीज़ तो आपको एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पता चलेगा जो काम करेगा, ठीक है, काम करता आ रहा है, जो आपको असल में डिस्क्लोज होगा यहाँ पे तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई क्रूड की या निफ्टी की या कोई दूसरी साइकिल ली हुई है मेरे से अभी रिसेंट में तो मैं कुछ डिस्काउंट कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप करके या मेल करके मेरे से पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा। मतलब वहाँ पे जो आप 9000 दे रहे हो, देख रहे हो, वो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई साइकिल नहीं ली है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियसली एकदम से मैंने बोला कि भाई पता चला आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई आप 9000 रुपये की साइकिल भी ले रहे हो और यहाँ पे मैं फ्री में इतना कुछ पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताना ज़रूरी है क्योंकि सबको लेकर के सब लोग चले एक साथ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिन्होंने बाय करी है उनका कहीं पे भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, बट ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगर आप देखो, यहाँ से मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है, वो भी लमसम यहीं पर ही एक इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छुए चाहे इसको छुए मैं बाय नहीं करने वाला। मैं कब बाय करूँगा, मैं तब बाय करूँगा
जब मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, अभी इस ट्रेंड लाइन में भी मैं और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर नहीं बाय करूँगा, ये दोनों टॉप जो है ना, ये दोनों टॉप, इन दोनों के बेसिस पे जो ट्रेंड लाइन बनेगी उसके ब्रेक होने पर करूँगा। मतलब एक मेथड नहीं है यार, कई सारे मेथड है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो पीछे से एक बहुत लंबी सी अभी मैंने लाइन बनाई, उसके पैरेलल सी चल रही है, ठीक है। तो ये भी एक वैलिडेशन है कि चलो, अगर देखिए सीधी सी बात ये है कि जितनी मैं लेट करूँगा एंट्री, उतना मेरा एक प्राइस का मूवमेंट जा चुका होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिस्की अगर मैं एंट्री करूँगा, उतना ज़्यादा रिटर्न है। तो रिस्क और रिवॉर्ड का वही ट्रेड ऑफ है। मगर अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा करके यहाँ पे गिरती हुई चाकू की धार, गिरती हुई तलवार पकड़ लूँ हाथ से, ये नहीं करना। यहाँ पे मैंने बताया, ये एक तरीका हुआ एंट्री करने का, एक ये हो गया एंट्री करने का, दूसरा क्या हो गया, मैंने क्या किया आज का ये मूव है, ठीक है, ये जो मतलब ये हाई हो गया, ये ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूँगा, अब कल ब्रेक होगा तो मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। कल अगर नहीं ब्रेक करता और तो कल का जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूँगा। ये मैं आपको मल्टीपल मेथड्स बता रहा हूँ एंट्री करने के, ठीक है। अब इसी में ही स्टॉप लॉस का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि ये प्राइस जाता है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताता हूँ कि अब प्राइस अगर गिर रहा है तो कितना गिर सकता है। इस वाले मूव से मैंने ए बी सी डी करके बता दिया कि भाई यहाँ तक गिर सकता है लमसम, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस हो गए, जब प्राइस यहाँ पे आया, मान लीजिए कितना बज रहा है, 8 बजे के करीब, अभी 7 बज रहा है और ये मेरे ख्याल से 1 आवर का ही चार्ट है, ठीक है। तो मतलब अगले 2-3 घंटे के अंदर यहाँ पे प्राइस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट टाइप्स दिखता है, मतलब कि प्राइस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखती है, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। हमें ये जानना है कि अच्छा भैया स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, और फिर वो स्ट्रेंथ जब इसको पार कर जाए, ठीक है, या इसको पार कर जाए, या और इवन स्ट्रिक्टर तरीका इसको पार कर जाए, वो फिर कल करेगी, ठीक है, तो हम इस पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया एंट्री का। अच्छा, अब मैं स्टॉप लॉस बता रहा था। मान लीजिए यहीं से रिवर्स किया उसने, अब चाहे जहाँ पे भी जा रहा है, आज ब्रेक कर दे इस ट्रेंड लाइन को या इसको या इसको, ये सब एंट्री के तरीके हो गए। मगर जैसे ही ये प्राइस इस टॉप को तोड़ता है, अगर तोड़ देता है एक ही बार में, एक लेग जा करके इसको तोड़ देता है, तो ये जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ गया तो मेरे को वो सेव करके रखना है, समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने जो साइकिल का वीडियो बनाया है, मतलब जो ये कॉपर की साइकिल का बनाया है, उसमें मैंने ऑप्शन का भी तरीका बताया हुआ है कि ऑप्शन में भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन आ गए हैं MCX में, कॉपर का भी ऑप्शन ट्रेड होता है और ठीक ठाक लिक्विडिटी है उसमें, ठीक है, पोजिशनल साइकिल है। तो मैंने देखा था आज उसमें ऑप्शंस में लिक्विडिटी थी, किसी में 150 ऑप्शंस ट्रेड हुई है, किसी में 200 हुई हैं किसी स्ट्राइक पे, और ये मैं डेटा बता रहा हूँ लमसम 3-4 बजे के करीब का, ठीक है। तो अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो ठीक ठाक लिक्विडिटी है। फ्यूचर वाले को थोड़ा सा सेफ, मतलब कह लीजिए केयरफुल ज़्यादा रहना है। उसका रीज़न है कि ये स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक दिन बाद मार्केट अगले दिन खुलती है, कहीं गैप डाउन हो गई तो फ्यूचर वाला कैसे निकलेगा, दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन वाले के लिए यहीं पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि प्राइस नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, वो उसका एक लिमिटेड लॉस है। 2 रुपये की ऑप्शन है तो 2 रुपये से 0 हो सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये बड़ी क्लियर सी चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था कॉपर की साइकिल के लिए। और आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जल्दी से। ये है जनवरी की, सॉरी निफ्टी की साइकिल, ठीक है। ये निफ्टी की साइकिल कम है, इसमें लेसन बहुत बड़े बड़े छुपे हुए हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये अभी जब ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी तब भी मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर दूँगा, आप इसको लीजिएगा ज़रूर इसमें, क्योंकि लेसन्स बहुत सारे छुपे हैं। साइकिल के लिए मत लीजिएगा, इसको लेसन के लिए लीजिएगा। क्रूड में साइकिल है, मेजरली लेसन भी है, मगर मेजरली साइकिल है, तो ठीक है, उसका प्राइस मैं रिड्यूस करूँगा बाद में जब ये साइकिल पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रैश, अगर आपको पता हो मैंने ये ई बुक लिखी है और 1 जनवरी को लॉन्च करी थी, आप इस ई बुक को ले सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैंने कॉपर की साइकिल आपको बताई दी, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इसी चार्ट में, कॉपर के चार्ट में।
एक और चीज़, प्लीज़ कोई मुझे फ़ोन मत करिएगा। रीज़न है कि अगर मैं इतनी कॉल्स एक दिन में अटेंड करने लगूँगा ना, तो मैं ना रिसर्च कर पाऊँगा ना कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरीज होती हैं आप मेल पे पूछो, व्हाट्सएप पे भी मैं शायद उतनी तेज़ी से रिप्लाई ना कर पाऊँ। मैं मेल पे ज़्यादा बेटर रिप्लाई कर सकूँगा, क्योंकि मेल मेरे लिए ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो क्या बताने जा रहा था मैं, हाँ, अब आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे ये जो मैंने बताया हुआ है, क्या ये इस मूव से कुछ हम इसका निकाल सकते हैं कि कहाँ पे ये जाकर के रुकेगा। एक तो सब्जेक्टिविटी है, एक ये ले लेता हूँ, एक ये वाला बॉटम ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों को, दोनों से जो लेवल आएगा दोनों से देखेंगे। अभी एक और सब्जेक्टिविटी हो सकती है, यहाँ एक आध रुपए के लिए हम बार बार लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंस अगर आप देखो तो एक रुपए का भी ठीक से नहीं है, ठीक है। बस यही है कि पॉइंट्स थोड़े से अलग हो गए। वो यहाँ पे मैंने इस टॉप के ऊपर रख दिया इसको, मूव को। अब यहाँ पे फिर सब्जेक्टिविटी आप इस पर रखो कि इस पर रखो, किसी पर भी रख लो। उसके बाद ये वाला मैंने उठा करके रख दिया इसके ऊपर, लमसम दोनों बराबर ही थे, ठीक है। तो अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये मैंने एकदम स्पॉन्टेनियस किया, ठीक है, कि ये देखिए ये एक लेवल आ रहा है, और मैंने आपको अभी ए बी सी डी करके दिखाया था कि कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। और ये प्राइस जो ए बी सी डी से आ रहा था वो आ रहा है आपका इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक, अब देखिए हर चीज़ में एक सब्जेक्टिविटी है, वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के भी गैन स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, वीकेंड की वजह से कई बार बार नहीं काउंट हो पाती हैं, या कई बार हाई जो है वीकेंड के अंदर बना होता है, जहाँ पे भी हमको ट्रेडिंग का प्राइस ही नहीं दिखता, ठीक है, या लो बना होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे भी आप देखो कि ये खुलते ही एक लेवल से खुला है जहाँ पे, तो हो सकता है कि ये रात में या सुबह ये यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा हो। तो अब अगर ऐसा है तो देखिए ए बी सी डी पैटर्न चेंज हो जाएगा ना। मैंने तो यहाँ से निकाल दिया ए बी सी डी, मगर अगर यहाँ पे सही में टॉप बना तो यहाँ से ए बी सी डी होना चाहिए। तो अब ये इस सब्जेक्टिविटी की वजह से क्या होता है, कई बार टारगेट हम जो लगाते हैं वो कभी इधर के उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब इसके बेसिस पे अगर देखें तो ये इस लाइन पे भी बैठ गया, और इधर हमारा जो लाइन से आ रहा है इस लाइन से भी बैठ गया। माय गॉड, दोनों तरीकों से बैठ गया, ठीक है। मतलब ये तो मैंने बस जस्ट गेस वर्क यूज़ किया कि भाई यहाँ पे कहीं टॉप हो सकता है। अब वो मैंने यहाँ से लिया, हो सकता है यहाँ यहाँ तक बन गया हो टॉप, कोई पता थोड़ी ना है। कल रात से लेकर के आज सुबह के बीच में कहाँ पे प्राइस ट्रेड किया किसी को नहीं पता है। आप फॉरेन की मार्केट में देख सकते हो सकता है वहाँ पे ट्रेड किया हो, मगर फिर वही है कि कन्वर्जन करो यूएसडी का आईएनआर में, फिर मतलब बहुत सारे झमेले। तो हम वो चीज़ नहीं करके, ये चीज़ बेटर है कि एक अप्रोक्सीमेशन के लिए रूम रखते हैं, और हमने बड़े लेवल से भी ये निकाल लिया कि यहाँ पे कहीं एक रुकना चाहिए प्राइस, ठीक है। साइकिल भी साथ में आ गई, बड़े लेवल का भी आ गया, ए बी सी डी भी मैच हो रहा है, नीचे से रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है, और क्या चाहिए। साइकिल तो खैर मतलब वो तो तभी मिलेगी जब आप उधर से लोगे, बट मैंने मेरे ख्याल से 80-90% का एनालिसिस तो यहीं पे कर डाला है कॉपर का, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इस पर क्या करना चाहते हो, ठीक है। मैंने बता दिया कि मैं कैसे कैसे एंट्रियाँ करता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने तरीके से देखना है क्या करना है, स्टॉप लॉस भी अपने तरीके से लगाना है। एक और वीडियो शायद मैं, चलो इसी में ही बता देता हूँ, स्टॉप लॉस में रिवाइज कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक मूव है, ठीक है, सॉरी ये एक मूव है, ठीक है, अपसाइड पे गया, ठीक है। मान लीजिए कि यही वाला ऐसे ही मूव यहाँ पे हमको दिख जाता है, ठीक है, गया ऊपर नीचे आया, इसको नहीं हिट किया, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, वापस गया इसको टॉप को तोड़ दिया, मेरा स्टॉप लॉस नीचे से उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर नीचे गया, इसने क्या किया, इस बॉटम को नहीं तोड़ा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया, ऊपर गया
टॉप को भी तोड़ा या नहीं तोड़ा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। आया नीचे, वापस गया, इस स्टॉप को तोड़ दिया, मेरा स्टॉप लॉस उठ करके यहाँ आ गया। ऐसे करते करते आप इस स्टॉप लॉस को अगर देखो तो आप बहुत लंबा यहाँ तक ले जाके रिवाइज करते चले जाओगे। उसके बाद भी अगर इंटरनली आप देखो तो यहाँ पे भी आप रिवाइज करते चले जाओगे, यहाँ पे जाके आपका ये हिट होगा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस भी जब देखिए टाइट कब करना होता है वो भी बताता हूँ। अब एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जैसे शॉर्ट होते हैं, इस पूरे मूव में मान लीजिए कि आप शॉर्ट चल रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये वाला मूव जो पिछला था उसके बराबर का है और यहाँ पे आ रहा है इसका एंड, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस जो आप यहाँ पे था फिर यहाँ आया इतनी इतनी देर में रिवाइज हो रहा था, अब आप क्या करोगे, आप इंटरनली करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये जो मूव आया अब इसके अंदर में आप जाकर के स्टॉप लॉस रिवाइज करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे करके, मतलब आप समझे। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि भैया लमसम अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, वहाँ पे आपने टाइट कर दिया स्टॉप लॉस को, इवन आप 15 मिनट में 5 मिनट में जाकर के ये जो डाउन साइड चल रहा है इसके अंदर भी स्टॉप लॉस इसी तरीके से रिवाइज करके निकल सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया तरीका कि ये जनरली आप फॉलो कर सकते हो, स्टॉप लॉस का बहुत अच्छा तरीका है ये, बट फ्यूचर्स में ही अप्लाई कर सकते हो आप। ऑप्शन में इतनी प्रॉपर मतलब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए इस तरीके से, उसमें तो सीधे हम ऑप्शन में टारगेट ही लगाते हैं। और सीधी सी एक और चीज़ बताता हूँ, ऑप्शन में मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। उसका रीज़न है, अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया पीछे से बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं जो देख रहे हैं स्टॉप लॉस, मेरा भी आपका सबका, तो स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं, ऑप्शन लेके छोड़ देता हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरा टारगेट आता है उसके नीचे मेरे को मिलता है, मेरे को उस पर निकलना पड़ता है नीचे प्राइस पे, टारगेट हो गया उससे थोड़ा नीचे जा करके, मगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता या मैं टारगेट का प्राइस नहीं लगाता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो हिट हो, मैं सीधा सा जा करके एक जो लेवल मेरे को लगता है कि यार जब मेरे को पता है ना मूव मेरा चलना है। अगर मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, ठीक है, हो सकता है कोई और एक और दूसरी साइकिल चल रही है जो इसको एक और बार गिरा दे, ठीक है, तो मैंने अगर ऑप्शन ली हुई है तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो 2 रुपये या 3 रुपये की जो ऑप्शन है इनटू जो भी लॉट साइज़ है 8,000 10,000 जो भी लॉट साइज़ है बस उतना होने वाला है। मगर अगर मैं फ्यूचर में हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस तो कटेगा ही, ठीक है, उसके बाद में जब मूव वापस चलेगा मेरे डायरेक्शन में तो फिर मेरे लिए एक नई दिक्कत पैदा होने वाली है जो कि एक गिल्ट वाली फीलिंग है। हो सकता है मैं स्टार्टिंग में एंट्री ना करूं कि यार चला गया तो चला गया, किसी और ट्रेड में ध्यान लगा दूं, दूसरी बार फिर ऐसा हो कि अरे थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम आ गया, लॉ घुस गया, एकदम से गया, एकदम से कूद गया उस मूव में और फिर वहां से रिट्रेस में चालू हो गए। तो ये जो इम्पल्स है ना मेरी खुद की ट्रेड जिसने मेरे को स्टॉप लॉस से बाहर करा, फिर मेरे को मैंने उसको अवॉइड किया कि भैया मैं कुछ दूसरा ट्रेड करूंगा, और फिर मेरे को इम्पल्स की वजह से वापस लेकर के आई और फिर मेरे को लॉस दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, बार बार ऑप्शन को ही मैं एडवोकेट इसलिए करता हूँ, मैं फ्यूचर में करता ही नहीं ट्रेड, मैं फ्यूचर में जाता ही नहीं, इसी वजह से नहीं जाता, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, आपको क्या लगता है कॉपर कहाँ पे बॉटम करके कहाँ टॉप जा सकता है सब आप लिख सकते हो नीचे। आपको कैसा लगा वीडियो वो भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो तरीका है सीधा सा सर बड़ा रॉ और रियल है, जो मेरे माइंड में आता है मैं वो बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है वो चीज़ बोलनी, क्योंकि इतना सोच करके बोलता है ना बंदा तो फिर होता क्या है कि वो बातें ही बनाता रह जाता है। तो बेटर रहता है क्या कि माइंड में जो हो ना वो क्लियर, जैसे ग्लास होता है ना कांच का पारदर्शी, वैसा होना चाहिए पानी के तरीके पारदर्शी, ठीक है। तो रखता हूँ, बाय।